देखिए यहाँ पर खरगोश भी आ गया है। अब पीहू यहाँ पर ये वाला स्टोरी सुनाएगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। खरगोश भी ध्यान से सुनिएगा। एक खरगोश था जिसके चार मित्र थे, घोड़ा, गाय, बकरी और हिरण। एक दिन कुत्ता ने खरगोश का पीछा किया, वह डरकर मित्रों के पास पहुंचा। घोड़ा बोला मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं? मेरे तो सिंह ही नहीं है। खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया, सारी बातें सुनाकर गाय बोली, अभी थोड़ी देर आंखें खुल गई। उसने सोचा मुझे कहा गया है संसार में अपने पर भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर पाते हैं। देखिए गाइस, ये कौन है इसे आप पहचानते हैं? ये है पीहू, जो बड़े दिनों के बाद आई है और ये हम लोगों को कुछ स्टोरी सुनाएगी, वो भी इंग्लिश में। साथ में पीहू का बन्नी भी है। और स्टोरी, लुक एट द पिक्चर, दैट इज अ गर्ल, ही बॉल, हर बॉल इज इन द वाटर, शी इज weeping for it. That is a frog. I am taking your ball out of the water. Says the frog. The frog then brings the ball. Very good. ठीक है, बताओ क्या है? देखते हैं पीयू बता पाती है कि नहीं। थैंक यू। देखिए थैंक यू है ये। Thank you. Say the frog. I am very happy. Are you happy, Pihu? Yes. कैसे है happy? जरा happy होके तो दिखाइए। Thank you. ये देखिए पीहू पूरी तरह से हैप्पी वाले मूड में है।
आप सभी को एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाई है, क्यों पीहू? तुमको कैसा लगा स्टोरी पीहू? हाँ, एक कहानी खरगोश था, और इस कहानी में देखे खरगोश था जो कि लाइट भी जलता है खरगोश में। ये देखिए गाइस, मारना नहीं चाहिए, बस हल्का सा दबाइए, खरगोश जल उठेगा। और अब पीहू सबको कहेगी बाय गाइस। बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे स्टोरी में। बाय। देखिए गाइस, ये पीहू है ना, पीहू के घर में किचन गार्डन बना हुआ है। यहाँ गार्डन, किचन गार्डन है, इसमें वेजिटेबल्स है। ये देखिए साग है, कितना सारा साग है। और इसके ठीक सामने है बड़ा सा पहाड़, जो कि मेरे छत पर से तो बिल्कुल नहीं दिखता है, कितना बड़ा पहाड़ है। और ये देखिए कितना सारा बिल्डिंग है, और यहाँ पर पीहू है, और यहाँ पर एक और पहाड़ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, देखिए दूसरी ओर, ये देखिए दूसरी ओर कितना, ये है शेखपुरा, हम लोगों का प्यारा सा शेखपुरा, जिसके दो ओर पहाड़ हैं, एक इधर और एक उधर, और इधर भी घर ही घर है। यहाँ से देखिए पहाड़ का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और यहाँ पर पीहू कुछ काम कर रही है, बहुत बिजी है पीहू। गर्मी बहुत हो रखी है और मन चटपटा खाने का तो जरूर करता है, तो चलिए ये बनाते हैं समोसा। और ये है आटा मैदा का और आलू, जिसमें अभी इसमें बादाम वगैरह डाल दिया गया है। और ये देखिए तैयार है समोसा, गर्मा गर्म समोसा, और आप भी खाइए और बताइए कि कैसा लगा है। मैं तो